नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 मार्च सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर जिले में महिला दिवस के दिन तड़के करीब 3 बजे भूगोर पुलिया के निकट एक प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। छात्रा 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, वहीं युवक SSC की तैयारी कर रहा था। दोनों ने भूगोर के निकट ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। खास बात यह है कि छात्रा के 7 दिन बाद 15 मार्च को ही शादी तय थी। इससे पहले ही छात्रा अपने प्रेमी के साथ भाग गई। छात्रा की उम्र करीब 18 साल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि पुनखर निवासी 22 साल का युवक लोकेश मालवीय नगर में किराए पर रहता था। 2 दिन पहले युवक छात्रा को उसके गांव से रात को लेकर भागा था। मराठा आरक्षण के मसले पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। 5 जजों की बेंच इस मामले को 18 मार्च तक सुनेगी। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षण के मसले पर सभी राज्यों को सुना जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ ही सुनवाई को 15 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। भरतपुर शहर के थाना मथुरा गेट क्षेत्र की बसंत विहार कॉलोनी में एक विवाहिता ने शराबी पति की प्रताड़ना और दहेज की मांग से तंग आकर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतका का पति, उसका भाई और पिता घटनास्थल से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के बारे में जानकारी ली और जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय मिथिलेश पत्नी संतोष जाटव पति की प्रताड़ना से परेशान थी और ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट करते थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चूरू जिले के सुजानगढ़ में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुजानगढ़ के थरडा रोड पर मेगा हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची सुजानगढ़ पुलिस ने बताया कि हादसा कार के टायर फटने के कारण हुआ है। पुलिस ने शवों को राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में एक आर्मी जवान के घरेलू सामान को गुजरात ट्रांसपोर्ट के बहाने लेकर बदमाश फरार हो गए। अब बदले में बदमाश 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। पीड़ित अमर सिंह ने बताया कि उनके दामाद सेना में नौकरी करते हैं। गुजरात ट्रांसफर होने पर उनके घरेलू सामान को भिजवाने के लिए मारुति एक्सप्रेस कार्गो पैकर्स एंड मूवर्स के नंबर पर संपर्क किया। सामान भेजने के लिए 25,000 रुपए में तय करके गाड़ी लेकर 2 व्यक्ति भेज दिए। तय समय पर सामान नहीं पहुंचा तो वापस फोन कर संपर्क किया तो बदमाशों ने 2 लाख रुपए की डिमांड रख दी। बार बार फोन करने पर खुद को एक गैंगस्टर के आदमी बताते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में एक 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर होटल में ले जाकर दुराचार करने के आरोपी को अलवर गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बालिका को स्कूल छोड़ने की बात कहकर बाइक पर ले गया और जनाना अस्पताल के पास सिक्का रोड स्थित होटल में ले जाकर दुराचार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। नागौर जिले के कोतवाली थाना इलाके में बेहिसाब चल रहे जुए सट्टे पर SP की DST ने दबिशें देते हुए 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। इन कार्रवाइयों में DST ने 3 स्थानों से 13 जनों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ बीट अधिकारी की मिलीभगत की पोल भी खुलकर सामने आ गई, क्योंकि ये जुआ सट्टा खेलने वाले सभी आरोपी सार्वजनिक स्थलों पर ही खुलेआम जुआ सट्टा खेल रहे थे। चूरू जिले के सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 11 में 32 साल की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मृतका के भाई मोहम्मद आरिफ ने बताया कि रात को उसकी बहन सोना बानो ने कमरे में लोहे के एंगल पर रस्सी से खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बहन पारिवारिक झगड़ों से परेशान थी, वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी। सोना के पति की 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी और वह अपनी 14 साल की बेटी और 10 साल के बेटे के साथ पीहर में रहती थी। जोधपुर शहर के कमला नेहरू नगर स्थित हुडको क्वार्टर में रहने वाले एक मेडिकल व्यवसायी को अपने पड़ोसी दुकानदार की फोन पे पर मदद करना महंगा पड़ गया। शातिर ने फोन पे के माध्यम से 70,000 रुपए उड़ा डाले। देवनगर थाना अधिकारी सोमकरण ने बताया कि यह ऑनलाइन ठगी नेहरू नगर निवासी रामकरण वर्मा के साथ हुई है। पुलिस मोबाइल नंबरों के आधार पर शातिर की तलाश कर रही है। जयपुर कमिश्नरेट के आदर्श नगर खो नागोरियन व ट्रांसपोर्ट नगर में चोरों ने 3 सुने मकानों के ताले तोड़कर नकदी, लाखों के जेवर व अन्य सामान चोरी कर लिए। जानकारी के अनुसार तिलक नगर निवासी शीना बैराठी के घर से चोरों ने नकदी और जेवर चोरी कर लिए। इसी तरह खंडेलवाल नगर निवासी लक्ष्मी शर्मा के घर से मोबाइल व नकदी पार कर ली। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।
पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के भारुंदा पुराडा मार्ग पर अज्ञात वाहन चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई तथा एक युवक गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार भारुंदा निवासी 15 वर्षीय विवेक शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर घायल भारुंदा निवासी सुरेश कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई। गंभीर घायल भावेश को अस्पताल में उपचार चल रहा है। तीनों युवक एक ही गाँव के हैं। तीनों सुमेरपुर में चल रहे हस्तशिल्प मेले में जा रहे थे। बांसवाड़ा जिले के कुकड़ा गांव में एक डंपर ने एक व्यक्ति को अपनी चपेट में लिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस लोगों से समझाइश का प्रयास कर रही थी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।